नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राहुल गांधी की कौन सुनता है? कोई नहीं। उनके पार्टी में कितनी चलती है? रत्ती भर भी नहीं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को राहुल ने ऑर्डर दिया कि वो जल्द से जल्द आइटम वाले बयान पर माफी मांग लें, लेकिन कमलनाथ के लिए राहुल का हुक्म ठेंगे पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने आइटम वाले बयान को प्रतिष्ठा का ऐसा मुद्दा बना लिया कि सीधे राहुल गांधी को झटका लग गया। राहुल गांधी को लगता है कि कमलनाथ का बयान गलत है, लेकिन कमलनाथ को लगता है कि उन्होंने जो कहा वही सही था। कमलनाथ कहते हैं कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला लिया है। कमलनाथ ने कहा है कि उन्होंने वही कहा जो उन्हें सही लगा है। दरअसल वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान की निंदा की और कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब राहुल को अगर कोई बात नापसंद है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को वो बयान नापसंद है, लेकिन कमलनाथ को राहुल का बयान ही नापसंद है। अब करते रहे राहुल जो कर सकते हैं। कमलनाथ ने राहुल के बयान पर दो टूक कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी से जब कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान पर रिएक्शन लेने की कोशिश की गई थी तो राहुल ने कहा कि कमलनाथ मेरी पार्टी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे उस प्रकार की भाषा पसंद नहीं है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इसकी सराहना नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को महिलाओं के प्रति रवैये में सुधार करने की जरूरत है, तो राहुल सलाह पर सलाह दिए जा रहे थे, लेकिन कमलनाथ को भला कौन समझाए। कमलनाथ कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को पैसा, कांग्रेस को नेता सब मिलता है कमलनाथ से, इसलिए कांग्रेस उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी ऐसा रत्ती भर भी मत सोचिएगा।